तो दोस्तों आपका बजट है 8,000 रुपीज एंड आपको भी इस प्राइस में चाहिए कोई बेस्ट लेटेस्ट स्मार्टफोन तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8,000 के अंदर आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन और साथ में गाइस अभी के टाइम में साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है जो आपको फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन की ग्रेट फेस्टिवल सेल देखने को मिल रही है। तो इस सेल में फोन के प्राइस बहुत कम देखने को मिल जाएंगे और फोन पे भारी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा किसी भी फोन को बाय करने के लिए। और हमारी लिस्ट में जो भी फोन होंगे वो टॉप नोच लेवल के देखने को मिल जाएंगे जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होंगे और उनमें आपको बड़ी बैटरी के साथ तगड़े लेवल के प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ हमारी लिस्ट में एक 5G फोन भी रहने वाला है। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So guys, बात करते हैं अपनी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले फोन की जो मिल जाता है पोको की तरफ से, पोको C65। तो गाइस इस प्राइस पॉइंट में ये फोन आपको वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की जो आपको 6.74 की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके साथ आपको 90Hz की फ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, तो डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस फोन में अच्छी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इस फोन के कैमरास की जिसमें आपको 50MP का मेन कैमरा, इसके साथ 2MP का मैक्रो कैमरा और 0.8MP का लेंस देखने को मिल जाता है और फ्रंट साइड आपको 8MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो आपको प्राइस के हिसाब से इस फोन में कैमरास भी अच्छे लेवल के देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की जो मिल जाता है मीडियाटेक हीलियो G85 जो आपको 12 नैनोमीटर पर बेस देखने को मिल जाएगा। आप इस फोन में मीडियम लेवल तक गेमिंग आराम से कर सकते हो और डे टू डे लाइफ में आपको इस फोन से कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं इस फोन की बैटरी की जो मिल जाती है 5000mAh की बैटरी, इसके साथ मिल जाता है 18V का फास्ट चार्जर और साथ ही साथ इस फोन में आपको साइड मॉनिटर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा और ये फोन आपको एंड्रॉइड 14 पर रन हुआ देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली गाइस बात करते हैं अब इस फोन के प्राइस की जो आपको 4GB रैम प्लस 128GB 6,800 रुपए में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हो तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेगा, आप इस फोन को आंख बंद करके बाय कर सकते हो। सो गाइस बात करते हैं अपने लिस्ट के सेकंड नंबर वाले फोन। तो गाइस जिन भी यूजर को एक 5G स्मार्टफोन चाहिए वो ले सकते हैं लावा ब्लेज 5G। तो गाइस जिन भी यूजर को कम बजट में कोई 5G स्मार्टफोन चाहिए और साथ में उसमें ढेर सारे फीचर हो तो वो इस फोन को परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं इस फोन के फीचर्स की, स्टार्ट करते हैं इस फोन की डिस्प्ले से। इस फोन में आपको 6.52 की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में इस फोन में 90Hz की रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलती है, तो इस फोन में आपको प्राइस के हिसाब से अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इस फोन के कैमरास, इस फोन में आपको 50MP का मेन कैमरा, इसके साथ 2MP का मैक्रो कैमरा और 0.3 का लेंस देखने को मिल जाता है, साथ में 8MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। इस फोन से आप 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो इस फोन के कैमरास भी प्राइस के हिसाब से अच्छे कैमरा देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की जो मिल जाता है MediaTek Dimensity 700 जो आपको 7nm पर बेस देखने को मिल जाता है, तो इस फोन का प्रोसेसर भी प्राइस के हिसाब से अच्छा देखने को मिल जाता है। आप मीडियम लेवल तक गेमिंग आराम से कर सकते हो, डे टू डे लाइफ में आपको कोई इस फोन से दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और साथ ही साथ इस फोन में 5000mAh की बैटरी, इसके साथ 10V का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा और ये फोन आपको एंड्रॉइड 12 पर रन हुआ देखने को मिल जाएगा। फाइनली गाइस बात करते हैं अब इस फोन के प्राइस की, ये फोन इस सेल में आपको अंडर 8,000 में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हो तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेगा, आप इस फोन को आंख बंद करके बाय कर सकते हो। सो गाइस बात करते हैं लिस्ट के नंबर वन फोन की जो मिल जाता है रियलमी की तरफ से, रियलमी C60। सो गाइस जिन भी यूजर को एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसकी लुक आईफोन की तरह हो, वो यूजर इस फोन को परचेज कर सकते, क्योंकि ये फोन आपको सेम टू सेम आईफोन की तरह लगता है और साथ ही साथ इस फोन में ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले जो आपको 6.75 की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ 90Hz की रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाती है, तो इस फोन की डिस्प्ले आपको अच्छे लेवल की देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इस फोन के कैमरास की, इस फोन में आपको 50MP का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में AI लेंस देखने को मिल जाता है और फ्रंट साइड आपको 8MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। इस फोन से आप बैक साइड से 1080p 30fps से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के कैमरास भी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की जो मिल जाता है आपको यूनिसो की तरफ से C612। तो इस फोन का प्रोसेसर भी आपको प्राइस के हिसाब से अच्छा देखने को मिल जाता है, आप मीडियम लेवल तक गेमिंग आराम से कर सकते हो, परफॉर्मेंस से आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं अब इस फोन की बैटरी की जो मिल जाती है 5000mAh की बैटरी, इसके साथ 45V का फास्ट चार्जर जो आपके फोन को 50% आधे घंटे में चार्जिंग कर देगा और साथ ही साथ इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और ये फोन आपको एंड्रॉइड 14 पर रन हुआ देखने को मिल जाएगा और इस फोन में आपको
सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फाइनली गाइस बात करते हैं इस फोन के प्राइस की। ये फोन सेल में आपको अंडर 8000 में देखने को मिल जाएगा और 8000 के बजट में ये फोन बेस्ट रहेगा। आप इस फोन को आंख बंद करके बाय कर सकते हो। तो गाइस ये थे हमारे टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 8000 जो आपको Amazon और Flipkart सेल में देखने को मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई भी फोन परचेज कर सकते हो। सभी फोन आपको टॉप नॉच लेवल के देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए।